मेरा पूरा कपड़ा फटा, क्या लगा है? टॉवल लगा है। अब टॉवल उठा के अपना शर्ट निकाल के आपके पूरा मारे है। देखे झोकरा पकड़ के भी मारे हैं और लात से भी मार रहे थे। इस तरह का घटना हमारे यहाँ जनवरी 2024 अभी लिखित में आवेदन ले लिया गया है। थाना में भी इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। जो भी होगा नियम संगत उचित कार्रवाई। औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के कोयलवा मध्य विद्यालय में दो शिक्षिकाओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। गुत्थम गुत्थी में शिक्षिका के कपड़े फाड़ दिए गए। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिक्षिका ने जैसा बताया कि वह उनका कपड़े फटे हुए थे, हेडमास्टर चाहते तो अपने टेबल पर पड़े तौलिए या अपने शर्ट से मेरी इज्जत को ढक सकते थे, लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आया, उल्टे और उन्हें बाहर सड़क पर ले जाकर मारने के लिए कहा जा रहा है। मामला यह सोमवार का है। जब पूरा देश दीपावली मना रहा था तो कोयलवा विद्यालय में दो शिक्षिकाओं के बीच मलयुद्ध चल रहा था। हालांकि इस विद्यालय में हुई इस घटना की चारों तरफ चर्चा हो रही है और घटना के दूसरे दिन बच्चे ने तालाबंदी कर जिस बीपीएससी शिक्षिका की पिटाई हुई है उसे लेकर काफ़ी हंगामा किया। मौके पर वीडियो से लेकर अन्य अधिकारी पहुंचे तो आइए पहले में मामला चल रहा है। सिंचाई का भी मामला आ रहा है, एक मैम को पिटा भी किया है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, ऐसे को समझ के हम लोग को बोला गया था कि बच्चा को पढ़ाइए, समझ के शिक्षा अच्छा मिलेगा, तो शिक्षा समझ के यही मिल रहा है कि सर अपने मारा पीटी कर रहे हैं। जो क्या नाम है इनका, पुष्पावली मैम को समझ के जो मारा गया है, कौन मारे हैं? मालती मैम मारे हैं। वो और कौन है? कुमकुम मैम है। तो इन लोग को सर समा के पढ़ाते भी है, समा के आगे तक भी बोलते हैं, बच्चा को ही शिक्षा देते हैं कि समा के अरे किधर गया, अरे किधर गया। समा के आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? पिटाई पुष्पांजलि मैम का जो किया गया है, आप लोग क्या चाहते हैं? हटा दिया जाए, यहाँ से हटाया जाए, हटाया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम नीलम देवी है। अगर जो कल का जो कांड हुआ, अगर चाहते यहाँ के जो प्रिंसिपल सर है जितेंद्र सर, अगर चाहते तो इस तरह से घटना घटित नहीं होता, लेकिन उनके सामने ही उतने के सामने, हाँ, जो कि बच्चे लोग अभी बोले थे कुछ देर पहले कि उनके साथ भी के बावजूद भी उन लोग को बोला जा रहा है कि तुम स्टेटमेंट मत दो, डांटा जा रहा था, ठीक है सर, और उनके सामने पिटाई हुई है। हाँ, उनके बच्चे लोग के सामने, उन लोग बच्चे लोग देखा पिटाई होते, झगड़ा उगड़ा देगा सर भी जी। मेरा सुनील कुमार नाम है। सिक्स क्लास में सर कल का घटना बतला रहे कि मैम को पूरा मारे, देखे झोकरा पकड़ के भी मारे हैं और लात से भी मार रहे थे, उमावती में मारे थे, पुष्पांजलि में कुछ भी नहीं किए हैं, पुष्पांजलि पढ़ाते भी अच्छा है मैं सर। और कल हम कल पुलिस आए थे ना, तो कहने गए थे ना, तो हमको पूरा धमकी दे रहे थे ना कि तुमको मारेंगे। कौन कौन धमकी दे रहे थे? हेड सर दे रहे थे। और हेड सर के बारे में क्या कहेंगे आप? हम लोग हेड सर के बारे में चाहते हैं कि हेड सर यहाँ से चल ले जाए, दूसरा हेड सर आए। अच्छा, दूसरे हेड सर चाहिए। यस सर। और जो टीचर जो इनको पिटाई किया है उन लोग भी चले जाए यहाँ स्कूल से हटने के बाद। यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा सलोनी कुमारी। पुष्पाली मैम जो आए हैं नया, वो बहुत बढ़िया से पढ़ाती हैं, लेकिन जो न्यू ओल्ड टीचर है वो मतलब कि उमाती मैम जो है वो उनको लगा वो भी पढ़ाते हैं तो बढ़िया से समझाते समझाते नहीं है, पर हम लोग को समझ में नहीं आते, फिर भी हम लोग नहीं कुछ बोलते हैं। और हेड सर क्या बोलते हैं कि हम लोग भी आता पर हम लोग नहीं आते हैं। कि मैंने इसका कंप्लेंट पहले भी डीओ सर, डीपीओ सर, डीएम सर सबको दिया था, उनके बावजूद भी मैम सीओ मैम चेकिंग में भी यहाँ आई थी, उनको हम सब बात बोल रहे थे, प्रिंसिपल सर हमको पहले से धमका के रखे थे कि तुम अगर कुछ बोलेगी तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे। उमावती जो है, उमावती मैम, उनके पति यहाँ कैंपस में आके मुझको गाली दिए हैं और मेरे को मार, जब मेरे पास हाथापाई करने के लिए आ रहे तो एक सर उनको छोड़ा है तो उनको भी वो धक्का दे दिए थे। उनके हस्बैंड जो कि यहाँ के शिक्षक नहीं है, वो बाहर के हैं, वो आके यहाँ पे हमको गाली दिए और कहें कि तुमको उठवा देंगे, तुमको ये करवा देंगे, चार गो लड़का बुला के तुम्हारा इज्जत लुटवा देंगे। मेरे को हमेशा अभिवाहित कर उठवाने की धमकी कौन दे रहे हैं? यही कुमकुम मैम, उमावती मैम, उनके पति जो है ना, ये सब मिल के हेड सर कभी नहीं सुनते हैं हमारी,
कभी नहीं। वो तो कल के लड़ाई में ही इन्होंने सब देखा था कि कल के लड़ाई में वो कैसे बोल रहे हैं कि इसको मेरा पूरा कपड़ा फटा हुआ था। कपड़ा फटने के बावजूद भी वो इंसान हमको कहते हैं कि इसको बाहर ले जाके मारो। उसकी घर की लड़की की इज्जत होती तो तुम कपड़ा दे दो। वो कहते कि मेरे पास कपड़ा है कि तुम कपड़ा देंगे। आपके चेयर में क्या लगा है? टॉवल लगा है। आप टॉवल उठा के अपना शर्ट निकाल के आपकी तो कुछ नहीं है, तो शर्ट निकाल के आप दे सकते हैं हमें। पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझे बाहर तक उनको घसीटा। भैया को जब हम वीडियो कॉल की सब वहां पे लोग थे, सब बच्चे थे वहां पे, गेट तक हमको घसीटा गया वहां पे। और बाहर जाके वो अपने से अपना साड़ी खोली, अपना कान में का खोली ना जी, सब खोली। ये लोग हमको आके बोली, अब वो मेरे को कहती है कि मेरा साड़ी खींची। हम कुछ नहीं खींचे सर। अगर कोई आपको मारने आएगा आप अपने बचाव में उसको रोकोगे, आप अपने बचाव में बोलोगे कि मेरे तक ना पहुंचे। और वो मेरा हाथ पकड़ी हुई थी पीछे से कुमकुम मैम, ये लोग। और मेरे को कमर पे लात से इतना बेरहमी से इन्होंने मारा, मेरा जुब्बाल पकड़ के कुछ लड़कों ने, कुछ सारे बच्चों ने देखा था यहाँ पर। मुझे चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कमर बैक पे और ये सारा मुझे घसीटा गया वहां पर। इसके बावजूद भी अगर प्रिंसिपल सर चुप है तो किस कारण चुप है? यहाँ पे दो मैम का ही क्यों चलता है? सारे टीचर को धमका के रखते हैं वो कि अगर कुछ करेगा तो सबको, क्योंकि उनका पहुंच बहुत है। वो पहुंच विधायक तक बोलते कि मेरा विधायक भी कुछ नहीं, उनकी सारी बातों का रिकॉर्ड है मेरे पास। प्रधानाध्यापक बोलते हैं जी, विधायक तक हम पहुंच मेरा, वो सब चीज बोलते हैं, वो मेरे को हर चीज बोलते हैं। वो मेरे को बोलते हैं हमको है कि सर आप लोग का लड़ाई है, आप लोग आपस में देखिए, हमको क्यों बीच में डाल रहे। तो कहते हैं कि गेहूं के साथ जौ भी पिसाता है ना, तो तुम भी पिसाओ। ये सारी चीजें हम कंप्लेन किए हैं जिला में, और मेरे पास उनकी बातें भी हैं जी। हम कंप्लेन इनका अगस्त में भी किए थे, जिसपे अभी तक सीओ मैम आई थी यहाँ। उन्होंने कहा था कि तुमको जिससे मन करे तुम उससे बात करो, लेकिन उसके बावजूद भी थे जब मैम से हम किसी से बात करते थे तो ये लोग मेरे पे झाड़ जाते थे। में बात करने में पाबंदी लगा, बस हम मेरे को मना किया जाता है कि आपको नहीं बात कर रहा है किसी से, मेरे को बोला जाता है। पिछले घटना ही बहुत ही शर्मसार है, जितना भी इसको मैं भर्त्सना करूं वह कम है। इसके इस तरह का घटना हमारे यहाँ जनवरी 2024 से प्रारंभ है। अच्छा, और इसके बारे में अग्रतर कार्रवाई जो भी विभागीय है मैं करते रहा हूँ। उस अगर लगातार शिक्षकों के बीच मारपीट की घटना होती रही है जनवरी से, जी जी, तो अब तक कहाँ कहाँ अधिकारी को आपने लिखा? मैंने अपने विभाग के डीओ सर के दिया है, डीपीओ सर के दिया है, डीओ सर के लगातार दिया है। आज भी मैंने डीओ सर के कॉल किया, डीओ सर कॉल नहीं उठाए। उसके बाद डीओ सर नहीं उठाए तो बीडीओ सर के कॉल किया, बीडीओ सर एक बार में कॉल उठा लिए और हमने समस्या को रखा किस तरह का समस्या है सर। इन जानकारी के बाद मैं जैसा कि देखा है स्थलीय वेरिफिकेशन करके, मुझे लगा कि यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं और इस संबंध में मैंने थाना से ही बात की है और संबंधित जो शिक्षक हैं उनसे भी मैंने बात की थी टेलीफोन पर। मैं जानने की कोशिश कर रहा था, साथ में यहाँ के मुखिया जो हैं उनसे भी बात की मैंने कि आखिर समस्या क्या है, क्यों बार बार इस स्कूल से ही कंप्लेन हो रही है जी। और जैसा कि अभी सुनने को मिला कि ग्रामीण जनता यहाँ आए हुए हैं, बच्चे लोग भी आए हुए हैं, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है कि स्कूल में ऐसी स्थिति बन रही है कि शिक्षक एक दूसरे से उलझे हुए हैं, बच्चे जो हैं सही तरीके से यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे, अच्छे तरीके से यहाँ स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे भी काफ़ी लोग परेशान हैं। तो इन सभी चीज़ों को अभी लिखित में आवेदन ले लिया गया है, थाना में भी इनके द्वारा आवेदन दिया गया है। जो भी होगा नियम संगत उचित कार्रवाई बहुत जल्द से जल्द की